हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 का विज्ञान का वार्षिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प छांट कर लिखिए। रवि की फसल का उदाहरण क्या है? गेहूं है। एलपीजी का ऊष्मीय मान 50,000 कैलोरी। आंतरिक निषेचन मादा के शरीर में होता है। घर्षण हमारे लिए मित्र और शत्रु दोनों है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। क्या हो जाएगा? बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हैजा द्वारा फैलता है, दूषित भोजन या पानी द्वारा। घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन मिट्टी का तेल है। क्या है? मिट्टी का तेल। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित पदार्थ क्या है? हार्मोन है। सजातीय आवेश एक दूसरे को करते हैं, क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। रात्रि पक्षियों के नेत्रों में शालिकाओं की संख्या की अपेक्षा शंकुओं की संख्या 10 होती है। सत्य सत्य देख लेंगे। सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, सही है। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषण ईंधन है, गलत है। हमें वृक्षों की कटाई करनी चाहिए, ये भी गलत है। वस्तु पर बल लगाने से वस्तु की आकृति सदैव बदल जाती है, ये गलत है। प्रकाश सभी पृष्ठों से परावर्तित होता है, ये भी गलत है। सही जोड़ी देख लेंगे। पॉलीएस्टर क्या है? कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते। नायलॉन पैरासूट या मोजा बनाने में। हाइड्रा मुकुलन अमीबा द्विखंडन ध्वनि संचरण माध्यम हो जाएगा। एक शब्द में उत्तर देख लेंगे। एक ही स्थान पर एक प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। प्रवासी पक्षियों को सुदूर क्षेत्र से पलायन का क्या मुख्य कारण है? बताना है। पेड़ों का कटना। कुशका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में। घर्षण से क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा। भूकंप की शक्ति के परिणाम को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? सिस्मोग्राफ द्वारा। किसके द्वारा? सिस्मोग्राफ। अति संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न बताना है। डेगची के हत्थे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बगीचे बनाए जाते हैं, क्यों? कारण बताइए। क्योंकि गर्म न लगे, इस वजह से। रेड डाटा बुक क्या है? मादा के किस जननांग में भ्रूण का रोपण होता है? खिलाड़ी कीलदार जूते क्यों पहनते हैं? अति लघुतरी प्रश्न देख लेंगे। गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? सीएनजी एवं एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग से क्या लाभ है? शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है, यदि नहीं तो इसे चालन बनाने के लिए क्या करेंगे? भारत में उन 3 राज्यों की सूची बनाइए जहां भूकंप के झटके अधिक संभावित हैं। बताना है। लघुतरी प्रश्न देख लेंगे। सोने चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्ण का ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों? अग्र आगे वाली और क्यों? रीजन बता देंगे। हरित लवक केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, क्यों? ऐसे 2 उदाहरण बताइए जहां लगाए गए बल वस्तु द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाता है। सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चटचट की आवाज सुनाई देती है, क्यों? ये दीर्घोत्तरी प्रश्न देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है, क्यों? कोई 5 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम एवं उनसे स्रावित हार्मोन का नाम बताना है। और मानव क्षेत्र नेत्र का नामांकित चित्र बनाना है।